हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ पनीर करी। तो वो कैसे बनती है वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर है, और ये मैंने कैप्सिकम लिया है, वो मैंने चॉप कर दिया है बड़े साइज में, और लौंग है, और इसका मैं ग्रेवी बनाऊंगी। ये अदरक है, ऑनियन है, टमाटर है, ग्रीन चिली है और लहसुन है। तो हमें सबसे पहले ऑनियन, अदरक और गार्लिक और ग्रीन चिली का मिक्स एक ही साथ में पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर जार, तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक ही साथ में इन सब चीज़ों को ग्रेवी बनाऊंगी, और बाद में अलग से टमाटर की अलग से ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऑनियन, अदरक और गार्लिक का पेस्ट बनाऊंगी। तो मिक्सर जार में मैं डालूंगी ऑनियन, तो छोटे छोटे टुकड़े करके हमें डालना है। तो मैंने यहाँ पे ऑनियन डाल दिया है, और ये अदरक है मीडियम साइज का, इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो भी साथ में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं 10-11 लहसुन भी करी है, वो भी डाल दूंगी साथ में। और हमें ये पनीर की सब्जी में थोड़ी स्पाइसी बनानी है, ताकि इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिली लिया है, तो वो भी साथ में डालूंगी, और थोड़ा सा ही आधा कप पानी डालूंगी, इसके साथ में उसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे हमें आधा कप ही थोड़ा सा ही पानी डालना है, डाल दिया है, और थोड़ा सा ही नमक, ताकि नमक है वो इसमें हो जाए अच्छे से, और हमें उसको ब्लेंड करना है। देखो फ्रेंड्स, अब ये मेरी ग्रेवी बनके रेडी है, और मैं उसको एक अलग से बाउल में निकाल दूंगी। देखो फ्रेंड्स, अब ये मेरी ग्रेवी बनके रेडी है, ऑनियन और अदरक और लहसुन की। तो अब मैं सेकंड में मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, तो उसका हमें ग्रेवी बनाना है अलग से। तो मैं उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसकी अलग से ग्रेवी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और मैं उसको मिक्सर जार में डाल दूंगी। और इसमें भी मैं थोड़ा सा ही आधा कप जितना पानी डालूंगी, थोड़ा सा ही, और इसको भी हमें ब्लेंड करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी टमाटर और ऑनियन की अलग अलग से ग्रेवी बन के रेडी है। तो अब हमें डायरेक्टली इसकी सब्जी बनानी है पनीर की। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और मैं उसमें ऑयल डालूंगी। हमें ऑयल इसमें करीबन 4-5 स्पून डालना ही है, क्योंकि जो ये करी है वो बहुत ही ऑयल को ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, तो मैं गैस को ऑन करूंगी। जब ये मेरा ऑयल बहुत ही गर्म हो जाए, तब हमें उसको धीमी आंच पे रख देना है, और बाद में हमें जो ये ऑनियन का पेस्ट बनाया है वो डालना है। देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मेरा ऑयल ये गर्म हो चुका है, इसमें धुआं निकल रहा है, तो मैं उसको धीमी आंच पे रख देती हूँ। और जब ये थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए, तब मैं उसमें डाल दूंगी ये हमने ऑनियन का पेस्ट बनाया है, ऑनियन, गार्लिक और अदरक का, और डायरेक्टली डाल दूंगी उसमें तड़के में। और फिर से हमें मीडियम आंच पे रख के उसको पकाना है
हमारा जो ये ऑनियन का कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हमें उसको पकने देना है। देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अब मेरा ये ऑनियन का पेस्ट है वो बहुत ही ड्राई हो गया है, ऑयल उसमें अलग से छूट रहा है। तो अब ये मेरा रेडी है, तो अब लास्ट में मैं डालूंगी उसमें ये टमाटर का पेस्ट। आप देख रहे हो बहुत ही रेड है, बहुत ही अच्छी बनने वाली है सब्जी। तब हमें उसको भी साथ में 15-20 मिनट तक पकने देना है मीडियम आंच पे। देखो फ्रेंड्स, अभी मेरी ग्रेवी पक के रेडी है, देख सकते हो उसका कलर बहुत ही चेंज हो गया है, पक चुका है। और इसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम, देखो फ्रेंड्स पंजाबी सब्जी में कैप्सिकम का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमें उसको भी 5 मिनट तक पकने देना है। उसी के साथ में डालूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने 4-5 लौंग का पाउडर बना के रख दिया था और साथ में वो भी डाल दूंगी, उसका टेस्ट उसका बहुत ही बढ़िया आता है। और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी चुटकी भर हींग को मिक्स कर देना है। अभी मेरा कैप्सिकम भी थोड़ा बहुत गल चुका है, आप देख सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत ही कम सामान में बनाया है, यहाँ पे मैंने कोई भी अलग से मसाला नहीं डाला है। ये पंजाबी सब्जी वाला मसाला बाजार में मिलता है वो भी नहीं डाला है। गरम मसाला तो हर एक के घर में होता है, उसी से ही मैंने बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है, पनीर टिक्का मसाला। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए इस तरीके से बनाना। तो अब लास्ट पॉइंट में डालूंगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद हो उसी हिसाब से डालिए। और इसी के साथ में डाल दूंगी पनीर, इसको मिक्स कर देना है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गेटअप आया है सब्जी का। और हमें उसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक खुले में ही पकाना है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी बनके रेडी है सब्जी पनीर टिक्का मसाला। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये मेरी पनीर टिक्का मसाला सब्जी बन के रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।